नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरा एक चैनल आस्क मी एनीथिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए एंड ऑल्सो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो मेरा जो चैनल है, यदि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी क्वेश्चन है तो मेरा जो नंबर दिया है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड, और एक बात है कि मेरा चैनल को प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अभी चलते हैं हम लोग हमारा टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं, हम लोग सभी को पता है कि इस प्लैनेट का नाम है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और इसका सब प्लैनेट का नाम है चंद्र यानी कि मून। दोस्तों, हमारा प्लैनेट सूरज की सराउंडिंग में घूमता रहता है और हमारे साथ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, उस सभी प्लैनेट में भी घूमते रहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने प्लूटो को अभी प्लैनेट में काउंट नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा अर्थ हमको जितना बड़ा दिखाई दे रहा है लगभग वो इतना बड़ा नहीं है। 12,756 किलोमीटर के बाद हमारा धरती स्पेस का एक कलंक की सदृश ही है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि सूरज एक तारका ही है और जितने भी ग्रह है वो सब तारका की चतुर्दिग पे ही घूमते रहते हैं। इसी तरह हमारा पृथ्वी भी सूरज की चतुर्दिग पर ही घूमता रहता है। दोस्तों, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि बिना तारका से प्लैनेट का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसीलिए विश्व में जितने सारे भी प्लैनेट्स हैं वो सब स्टार की सराउंडिंग में ही घूमते रहते हैं। तो इससे ये पता चला कि प्लैनेट्स स्टार से छोटे होते हैं और स्टार प्लैनेट से बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, ये था हमारा जो पृथ्वी और उसका फैमिली, और ऐसे ही बहुत सारे प्लैनेट हैं और वो सब भी किसी ना किसी तारे के साथ ही जुड़े रहते हैं। इससे ये पता चला कि हर तारे का एक फैमिली होता है, जैसे हमारा सूरज का फैमिली हमारा प्लैनेट है, इसी तरह हर जो भी तारे का है उसका भी फैमिली होता है। और एक बड़ी बात है कि इस फैमिली को ले करके और एक भी बड़ा फैमिली है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में अभी चर्चा करेंगे, तो चलें उसके बारे में। दोस्तों, क्या आप लोगों को गैलेक्सी क्या है पता है? यदि पता नहीं है तो मैं बताता हूँ कि गैलेक्सी किसको कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, स्टार की सराउंडिंग में प्लैनेट रहते हैं, इसी तरह स्टार भी कोई एक किसी जगह पे ही रहते होंगे। जहाँ पे हर स्टार जो जगह पे रहते हैं उसी को ही गैलेक्सी कहते हैं। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गैलेक्सी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सोच के देखिए कि हमारा पृथ्वी का साइज कितना छोटा है। देखिए, हमारा पृथ्वी, उसका एक सब प्लैनेट है चंद्र, और वो घूमता रहता है सूरज की सराउंडिंग में, और सूरज रहता है गैलेक्सी में। और हमारा पृथ्वी और हमारा सूरज जिस गैलेक्सी में रहता है इसका नाम क्या आप लोगों को पता है? इसका नाम है मिल्क वे यानी कि आकाश गंगा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आकाश गंगा यानी कि मिल्क वे गैलेक्सी में ही रहते हैं। दोस्तों, आप ये जान के भी हैरान हो जाएंगे कि हमारा जो गैलेक्सी है वो भी किसी और एक फैमिली का है, और इसी के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, तो चलते हैं उसी के बारे में। फ्रेंड्स, गैलेक्सी, जितने भी गैलेक्सी होते हैं वो सब जिस जगह पे रहते हैं इसका नाम है क्लस्टर, यानी कि हर गैलेक्सी, बहुत सारे गैलेक्सी क्लस्टर के बीच में ही रहते हैं। और हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो जिस क्लस्टर पे रहता है उसका नाम है द लोकल ग्रुप क्लस्टर।
हमारा लोकल ग्रुप क्लस्टर बहुत ही बड़ा है, जिसका साइज 10 मिलियन लाइट ईयर, यानी कि हमारा क्लस्टर विश्व का 10 मिलियन लाइट ईयर दूरी तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, हमको ये पता चल गया है कि हमारा प्लैनेट कहाँ पे रहता है, हमारा स्टार कहाँ पे रहता है, हमारा गैलेक्सी कहाँ पे रहता है और हमारा क्लस्टर कहाँ पे रहता है। लेकिन हम लोगों को ये अभी भी पता नहीं चला कि क्लस्टर भी कहाँ पे रहता होगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्लस्टर भी और एक फैमिली में रहता है और उसी का नाम है सुपर क्लस्टर। दोस्तों, हम जिस सुपर क्लस्टर पर रहते हैं उसका नाम है भिर्गो सुपर क्लस्टर, जो कि 200 मिलियन लाइट ईयर दूरी तक फैला हुआ है, जो कि वन साइड टू अदर साइड, जिसका लेंथ है 200 मिलियन लाइट ईयर। दोस्तों, सुपर क्लस्टर ही सबसे बड़ा चेन सिस्टम है इस विश्व में, और वो सुपर क्लस्टर को डिवाइडेड करता है वॉइड्स नाम का एक जो एम्प्टी प्लेस होता है, जिसको हम वॉइड्स कहते हैं। वॉइड से ही सुपर क्लस्टर को अलग करता है, और ये रहा हमारा विश्व की लार्जेस्ट सिस्टम। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा या बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।